हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जर्नल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान स्मार्ट टैबलेट वितरण योजना के तहत कौन कौन से ईयर्स के जो विद्यार्थी हैं उनको ये लाभ मिलेगा, कौन कौन से क्लासेस के जो बोर्ड विद्यार्थी हैं उनको लैपटॉप या टैबलेट दिए जाएंगे और यहाँ पर क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, कब तक ये मिलेंगे, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई ये योजना वापस से आ चुकी है, सभी यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, जो मेधावी छात्र छात्राएँ हैं उनको यहाँ पर स्मार्ट टैबलेट दिए जाएंगे। तो क्या है पूरी योजना, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हम चर्चा करेंगे, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान स्मार्ट टैबलेट वितरण योजना, इससे पहले जो राजस्थान में जितने भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं कक्षा 10वीं के, 12वीं के, 8वीं के, उनको लैपटॉप मिलते थे और अभी लैपटॉप की जगह जो है स्मार्ट टैबलेट मिलेंगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है उसका रीजन भी उन्होंने दिया है। जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री है उनका कहना यह है बी डी कल्ला जी का कि भाई हम टैबलेट इसलिए दे रहे हैं और लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि लैपटॉप थोड़ा बड़ा होता है, टैबलेट छोटा होता है, बैग में आसानी से आ जाता है और कनेक्टिविटी भी हम दे रहे हैं, 3 साल की जो कनेक्टिविटी है वो भी हम दे रहे हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, इंटरनेट चल पाए। तो वो इस हिसाब से यहां पर इसको चेंज किया गया है। पहले क्या होता था, लैपटॉप मिलते थे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को, 12वीं के विद्यार्थियों को, 8वीं के विद्यार्थियों को भी लैपटॉप दिए जाते थे। तो इस बार योजना का लाभ किस किस को मिलेगा और पहले किस किस को मिलता था, तो कक्षा 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड को मिलता था। 8वीं बोर्ड में सिर्फ सरकारी स्कूल के जो टॉपर्स होते थे उनको लिया जाता था। इसके अलावा कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड में जो है निजी स्कूल के विद्यार्थियों को भी लिया जाता था और सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, जो मेधावी छात्र छात्राएं होते थे उनको भी लैपटॉप दिए जाते थे और इस बार भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। पुरानी योजना की हम थोड़ी सी बात करते हैं, कब से ये योजना चल रही है, तो बहुत पहले से योजना चल रही है। लास्ट कांग्रेस सरकार थी उसमें भी 55,000 यहां पर स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए गए थे। उसके बाद में फिर भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार के द्वारा जो है लगभग 27,000 से अधिक यहां पर स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए गए। और उसके बाद में जब वापस से कांग्रेस की सरकार बनी तो पिछले 4 साल से कोई भी यहां पर लैपटॉप टैबलेट कुछ भी नहीं दिए गए। पिछले 4 साल से इस योजना को बंद कर दिया गया था, बीच में फिर कोविड भी आ गया, उस दौरान फिर इसको स्टार्ट नहीं किया गया। लेकिन काफी डिमांड के बाद एक बार फिर से, क्योंकि आप सभी को पता है गहलोत सरकार का अंतिम समय चल रहा है, लास्ट 1 साल के समथिंग बाकी है, तो इस समय वापस इस योजना को बहाल किया गया है और अब वापस से जो है इस योजना में कुछ परिवर्तन भी किया है कि हम लैपटॉप की जगह अब स्मार्ट जो है टैबलेट देंगे और काफी सारे टैबलेट यहां पर वितरित किए जाएंगे। तो यहां पर जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, जो 2019 के विद्यार्थी थे, ठीक है ना, जो 20 के थे, इसके अलावा जो 21 के थे और 22 के थे, इन सबको दिए जाएंगे। 2022 की बात करें तो 22 को तो यहां पर खरीदने के लिए सरकार क्या देगी, कूपन देगी, 27,000 कूपन दे देगी। बाकी जो पिछले 3 साल के जो विद्यार्थी हैं 2019 के, 2020 के, 2021 के, ये सरकार खुद खरीद के देगी। 65,000 टैबलेट सरकार खुद खरीदेगी और आपको देगी। बाकी जो यहाँ पर 2022 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको यहाँ पर कूपन दिया जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि अगर आप महंगा लेते हैं तो आप अपने हिसाब से दे दीजिए, लेकिन हमें फिक्स कूपन देंगे और बता देंगे इस स्टोर से आप लोग खरीद लीजिए, ठीक है ना। तो 27,000 विद्यार्थियों को कूपन दिए जाएंगे। बाकी जो पिछले 3 साल के विद्यार्थी हैं, जो कोविड काल के विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ पर 65,000 टैबलेट सरकार खरीद कर देगी। टोटल जो है यहाँ पर 93,000 कैंडिडेट को, 93,000 स्टूडेंट्स को यहां पर स्मार्ट टैबलेट मिलने वाले, जी हां 93,000 को, और अब आगे भी मिलते रहेंगे जब तक कांग्रेस सरकार है। हो सकता है नेक्स्ट कोई सी भी सरकार आए तो बदल भी सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 93,000 स्टूडेंट्स को ये स्मार्ट टैबलेट यहां पर मिलने वाले हैं और साथ में 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी वो भी आपको फ्री मिलेगी, जिससे कि आप ऑनलाइन पढ़ सकें, जो भी आपको असुविधा होती है अपनी पढ़ाई के दौरान तो आप लोग पढ़ सकें। तो यहां पर जो एक तरह से कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए, आपकी जो एजुकेशन है उसको ऑनलाइन मोड पर लाने के लिए सरकार एक पहल कर रही है, जो अच्छी बात है। यहां पर काफी टेक्निक जो है या इंटरनेट की मदद से काफी हेल्प हो पाएगी विद्यार्थियों की। तो जो 8वीं बोर्ड के टॉपर हैं, जो यहां पर 10th बोर्ड के जो टॉपर हैं, 12th के जो टॉपर हैं, उन विद्यार्थियों की जो टैबलेट है वो वितरण किए जाएंगे। अब आपका सवाल होगा, सर आपने योजना के बारे में तो बता दिया कि स्मार्ट टैबलेट हमें मिलेंगे, 93,000 स्टूडेंट्स को मिलेंगे, कौन कौन सी क्लासेस को मिलेंगे ये आपने बता दिया और कौन कौन से ईयर वालों को मिलेंगे ये भी आपने बता दिया, बट मिलेंगे कहां से और कब मिलेंगे? तो भाई जल्द इस योजना को यहां पर शुरू किया जाएगा। आपके जो जहां से आपने पढ़ा
अखाड़ा है जो आपके संबंधित स्कूल है वहां से आप लोग संपर्क कर लेना। बाकी जो विभाग की जो वेबसाइट है, जो यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट है, उस पर भी आपकी जो वरीयता सूची है, क्योंकि लगभग 10,000 हर साल के जो विद्यार्थी उनको दिए जाएंगे, जो टॉपर्स हैं उनको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो विभाग की वेबसाइट पर भी जानकारी आ जाएगी। इसके अलावा जहां से भी आप लोग पढ़े हैं उस स्कूल में भी संबंधित सूचना पहुंच जाएगी। हो सकता है कोई कैंप लगा के आपका वितरण कर दिया जाए, ऐसा ही होता है कोई भी सरकारी काम का जो या कोई भी योजना हो तो एक कैंप लगता है, उसके तहत यहाँ पर जो है वितरण किए जाते हैं। तो जल्द ही इस योजना का लाभ आप सभी को मिलने वाला है, तो आप लोग जो है निश्चित रहिए। बाकी काफी सारे बच्चे कॉमेंट करते हैं, सर मेरी इतनी परसेंटेज है या मुझे मिल जाएगा क्या, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब टॉपर्स कितने हैं वो डिपेंड करेगा जब लिस्ट आएगी, जैसे लिस्ट आउट होगी तो हम वीडियो बना देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जिनकी काफी अच्छी परसेंटेज है उनको इस योजना का लाभ मिल जाएगा और आपको स्मार्ट टैबलेट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।